गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 13th of October, मार्केट इज वेटिंग फॉर यूएस सीपीआई। कल ओवरनाइट क्या क्या एक्टिविटीज हुआ आइए देखते हैं। स्पेसिफिकली द इंडिया सीपीआई एक्सेलरेटेड इन सितंबर टू ए 5 month हाई ऑफ 7.41% ईयर ऑन ईयर एज दिस रेज बेट्स फॉर मोर हाइक्स। एफओएमसी मिनट्स showed Federal Reserve agreed they needed to raise interest rate to a more restrictive levels and then maintain there for some more time to tame inflation. तो देखते हैं technically price actions क्या बोलते हैं। Dollar index अभी है 113.32, market अभी थोड़ा सा poise mode में है till the US CPI data is released। उसके बाद ही एक कुछ मेजर मूवमेंट हो सकता है। डॉलर रुपी 82.23 अभी है, पिछले 3 दिन में थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है डॉलर रुपी, लेकिन अभी भी सेलिंग के लिए कोई मींस कोई इंडिकेशंस मिल नहीं रहा है। शायद यूएससीपीआई के बाद एक पार्टिकुलर डायरेक्शन हमें मिल सकता है, तब तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जीबीपी डॉलर अच्छा खासा बाउंस बैक किया है एंड यहाँ पे आपका एक सपोर्ट ले चुका है। दैट बीइंग द केस, आरएसआई रेंज शिफ्ट जो हमारा डिस्कशंस था, अभी दैट बीइंग द केस व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, आपका ये हाई के ऊपर लॉन्ग दैट इज 1.1170 के ऊपर लॉन्ग एंड स्टॉप लॉस विल बी बिलो 1.09 फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 1.1450, सेकंड टारगेट ऑफ 1.1650 एंड थर्ड टारगेट ऑफ 1.1800। सो प्राइस जैसे ही इस रेंज के हाई के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा, टच एंड गो करने से नहीं होगा, थोड़ा सा सस्टेन करना पड़ेगा आवर्ली बेसिस पे, तब जाके एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप के लिए हम सोच सकते हैं कीपिंग दिस बिलो 1.09 एज स्टॉप लॉस। डॉलर रुपी में भी सिमिलरली एक कल एक अच्छा खासा ग्रीन सिग्नल ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। दैट बीइंग द केस, यहां पर भी सिमिलरली आपका 11th अक्टूबर के हाई के ऊपर वन में ट्राई टू बिल्ड ए लॉन्ग पोजीशंस कीपिंग दिस एज द स्टॉप लॉस दैट इज 89.80 के नीचे और ए फर्स्ट टारगेट ऑफ 93.30 एंड सेकंड टारगेट ऑफ 94.80। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बेसिकली ये एक ट्रेडिंग इंडिकेशन है, हालांकि यूएस सीपीआई से पहले कुछ ज्यादा कुछ एक्टिविटीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। यूरो डॉलर में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट इज वेटिंग फॉर डेटा, सो तब तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा एंड देखना है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो इट विल क्रिएट ए रेंज शिफ्ट एंड रेंज शिफ्ट मतलब यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हम कर सकते हैं। यूरो आईएनआर में भी आपका यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, अभी हमें देखना है कि ये आपका 80.2030 के ऊपर अगर आवरली बेसिस पे सस्टेन कर जाता है देन इन सच ए सिनेरियो वी वन मे ट्राई टू बिल्ड ए लॉन्ग पोजीशंस। डॉलर येन में बहुत खतरनाक है, 146.83 ये आपका 22 सितंबर के हाई के ऊपर कंटिन्यूअस सस्टेन कर रहा है। बीओजे इज एब्सेंट, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे केयरफुल होना पड़ेगा। अगर यूएस सीपीआई डेटा खराब आता है तो आपका डॉलर येन और भी ऊपर जाने का संभावना है एंड इन सच ए सिनेरियो वी मे सी द प्रेजेंस ऑफ बीओजे। येन आईएनआर में कल ये कंसोलिडेशन के बाद फर्स्ट टाइम ये नीचे आ चुका है, अभी
इसका अगर डेली बेसिस में आरएसआई का पोजीशन लोकेशंस देखोगे तो ये 40 में आके रुका है। सो यहाँ पे देखना है कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं। अगर सपोर्ट लेता है इन सच ए केस हमें एक अच्छा खासा प्राइस एक्शंस देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आज का कैंडल अगर इस टाइप का बनता है समथिंग लाइक दिस जो कल के हाई को एनगल्फ कर दे, इन सच ए सिनेरियो इट विल बी ए रेंज शिफ्ट एंड वन में ट्राई टू बाई अबव द हाई ऑफ 12th of October विद ए स्टॉप लॉस बिलो द लो ऑफ 12th of October। और आज का अगर लो जो है अगर कल के लो के नीचे बनता है व्हिच एवर मे बी द लोएस्ट पॉइंट फॉर ए फर्स्ट टारगेट ऑफ 0.57 से 0.5750 एंड सेकेंड टारगेट ऑफ 0.5825 डॉलर कैंडी। ये कल एक इनसाइड बार कैंडल बनाया हुआ है 11th अक्टूबर के मदर कैंडल के अंदर में। दैट मीन द केस आज डेटा के बाद अगर प्राइस इनसाइड बार के हाई के ऊपर ट्रेड करता है देन हमें एक अपवर्ड मोमेंटम मिल सकेगा। अगर ये 11th अक्टूबर के लो के नीचे ट्रेड करता है एंड सस्टेन करता है देन हमें एक सेल ऑफ मिलेगा टूवर्ड्स 1.3500। एक बार 1.3500 आएगा अगर आता है देन एम पैटर्न का टारगेट हमें देखने को मिलेगा। 80 डॉलर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। कल एक स्पिनिंग टॉप स्मॉल बॉडी स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है। सो यहाँ पे एज ऑफ नाउ ट्रेंड रिवर्सल तो कुछ नहीं है लेकिन ये जो कल का जो स्पिनिंग टॉप है ये थोड़ा सा जो डाउनवर्ड मोमेंटम है उसको थोड़ा सा पॉज किया है। यानी जो रेट ऑफ ऑसी डेप्रिसिएशंस और ऑसी वीकनेस थोड़ा सा हॉल्ट हुआ है। डिपेंडिंग ऑन द सीपीआई डाटा ये फर्दर देखना है कैसे मूव बिहेव करता है। डॉलर सीएनएच ये भी कल एक इनसाइड बार बनाया हुआ है इनसाइड बार टू 11th of October मदर कैंडल। दैट बीइंग द केस आज सीपीआई डेटा के बाद 11th अक्टूबर के हाई के ऊपर एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड लो के नीचे एक हम सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूके ऑयल जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशंस था कि मीन्स ये फॉल्स ब्रेकआउट ना हो जाए। इन सच ए केस ये अगर फॉल्स ब्रेकआउट है ऑलरेडी लग रहा है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट था जो चैनल के ऊपर आपका 7th ऑफ अक्टूबर को ब्रेकआउट दिया था एंड 10th एंड 11th में उसको निगेट करके दोबारा चैनल के अंदर में आ चुका है। दैट बीइंग द केस वी आर मीन्स देर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि यूके ब्रेंट ऑयल जो है अभी आपका 92.44 है इट इज एक्सपेक्टेड टू हेड टूवर्ड्स 84 एंड सब्सिक्वेंटली द लोअर पार्ट ऑफ द चैनल। पहले इसको तो आने दीजिए उसके बाद देखेंगे। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी कल एक इनसाइड बार कैंडल बनाया हुआ है टू आपका 11th ऑफ अक्टूबर। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा आफ्टर द यूएस सीपीआई डेटा ये 11th अक्टूबर का अगर हाई ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ अच्छा खासा एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड लो ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ। इन सच ए केस हमें एक डाउनवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 3.58 की तरफ। सो डेली करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो। इफ सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।